नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह है हमारी क्लास नंबर 55 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन का पार्ट नंबर सेकंड। सो फ्रेंड, पार्ट नंबर सेकंड में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं? जॉ सस्पेंशन और वर्टिब्रल कॉलम। और पार्ट नंबर फर्स्ट आप सभी ने देखा होगा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? एंडोस्केलेटन का कुछ बेसिक और उसके साथ साथ विसरल आर्क। और आप सभी जानते हैं एंडोस्केलेटन दो शब्दों से बना हुआ है, एंडो प्लस स्केलेटन, है ना। बेसिक तो सभी सभी ने जान लिया होगा, और वो बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में काफी हेल्प भी करेगा। सो फ्रेंड, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। लिंक क्या है? bit.ly/ZOOLOGYREZ। आर बड़ा और बाकी सारे लेटर छोटे रहेंगे। जस्ट क्लिक करना है, अपने डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर? सो फ्रेंड, जो सस्पेंशन को हम किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में? फ्रेंड्स, जो सस्पेंशन का दूसरा नाम क्या है? सस्पेंसोरिया। क्लियर? सस्पेंसोरिया। चलिए बताऊंगा कि ये होता क्या है ना। एक एक मतलब छोटी छोटी चीजें भी, और जो चीजें डिटेल में डिस्कस करनी है वो भी डिस्कस करेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज इस कोर्स के अंदर नहीं छूटेगी, और काफी इंपॉर्टेंट लेसन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो, मायसेल्फ धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस May 2017, and this is Geology optional course, and I think everybody knows about this. So let's get start. So friend, जो suspension से शुरू करते हैं इस lesson को, और शुरुआत में मैंने एक बात पूछी थी आपसे कि जो suspension का दूसरा नाम क्या है, पता है सभी को, है ना। मैंने बताया भी था, क्या बोलते हैं? suspensoria, लिख लीजिए SUSPENSORIA। क्लियर? अब फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन की बात आती है ना। जो सस्पेंशन के टाइप्स की बात आती है, टाइप्स भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एम्फीस्टाइलिक है, ऑटोडायस्टाइलिक है ना, हायोस्टाइलिक है, बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। सारे के सारे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। एक छोटी सी भी चीज मैं यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला हूँ। सो फ्रेंड, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखिए, है ना, जो सस्पेंशन होता क्या भाई? एक चीज आप समझ लीजिए कि लोअर जो एंड अपर जो का कंसेप्ट है यहां पे। क्लियर? सो अब एक सस्पेंसोरिया के साथ साथ एक शब्द और आता है, सस्पेंसोरियम, लिख लीजिए SUSPENSORIUM। क्लियर? अब सस्पेंसोरिया, सस्पेंसोरियम, जो सस्पेंशन, तीनों चीजें तो एक ही है ना। मतलब एक तो मैकेनिज्म, एक जो फिनोमिना है वो, एक जो एक्चुअल में जो चीज है वो, इतना ही डिफरेंस है। क्लियर? सो फ्रेंड, द मेथड बाय विच द अपर एंड लोअर जो आर सस्पेंडेड, और यू कैन से अटैच्ड फ्रॉम द कॉन्ड्रोक्रेनियम। अब जो कॉन्ड्रोक्रेनियम है वो क्या है, पिछले वाले लेसन में हमने पढ़ा था, है ना। आपने अटेंड किया है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया है तो वो भी अटेंड कर लीजिए, है ना। कॉन्ड्रोक्रेनियम इज नोन एज द जो सस्पेंशन एंड सस्पेंसोरियम। क्लियर? क्या डेफिनेशन हुई? द मेथड बाय विच द अपर एंड लोअर जो आर सस्पेंडेड, और यू कैन से अटैच्ड फ्रॉम द कॉन्ड्रोक्रेनियम, इज नोन एज द सस्पेंसोरियम, और यू कैन से जो सस्पेंशन। अब अगर दूसरी डेफिनेशन आपको लिखनी हो, मतलब दो तरीके से आप लिख सकते हैं, दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूं, वो भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। क्लियर? सो फ्रेंड, जो सस्पेंशन मीन्स द अटैचमेंट ऑफ लोअर जो एंड द अपर जो, और यू कैन से द स्कल फॉर एफिशियंट बाइटिंग एंड च्यूइंग। क्लियर? समझ में आ गया? जबड़े का मेन वर्क क्या होता है, सभी को पता है ना। चलिए, सो फ्रेंड, अब अगर बात करें इसके टाइप की, टाइप भी बहुत सारे हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना, टाइम आने दीजिए। सो अब देखिए, पिछले वाले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? विसरल आर्क। तो उसी से रिलेटेड कंसेप्ट यहां से शुरू होता है ना, क्योंकि
उसी का ही एक मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड पार्ट आप कह सकते हैं ना, उसका ही एक क्या बोल सकते हैं, अपडेटेड वर्जन। क्लियर? सो फ्रेंड, द विसरल आर्क, फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर, है ना, फर्स्ट आर्क को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर, दैट कंसिस्ट ऑफ डोर्सल प्लेटो पेट्रिगो क्वाड्रेट। क्लियर? अब देखिए एक दूसरा कौन सा है, मिकेल्स कार्टिलेज। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, है ना, ये दोनों मैंडिबुलर आर्क का ही पार्ट हैं। क्लियर? अब इनमें से एक तो बनाएगा अपर जो, एक बनाएगा लोअर जो। क्लियर? और जो प्लेटो पेट्रिगो क्वाड्रेट है, हम उसको इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, पेट्रिगो क्वाड्रेट, दैट इज द बार फॉर्मिंग द अपर जो। क्लियर? एंड द मिकेल्स कार्टिलेज फॉर्म द लोअर जो। क्लियर? कंसेप्ट क्या है, लोअर जो एंड अपर जो का ही मेन कंसेप्ट है। क्लियर? अब आती है सेकेंड आर्क। क्लियर? सो सेकेंड आर्क को हम क्या बोलते हैं, हायोइड आर्क, है ना, सभी ने जान लिया होगा पिछले वाले लेसन के अंदर। सो फ्रेंड, द सेकेंड आर्क, और यू कैन से हायोइड आर्क, कंसिस्ट ऑफ ए डोर्सल, दैट इज हायो मैंडिबुलर, दैट सपोर्टिंग एंड सस्पेंडिंग द जॉ विद द क्रेनियम। क्रेनियम पता है सभी को, है ना, क्रेनियम के साथ साथ एंड ए वेंट्रल हायोइड। क्लियर? दैट सपोर्टिंग एंड सस्पेंडिंग द जॉ विद द क्रेनियम एंड ए वेंट्रल हायोइड। क्लियर? सो द रिमेनिंग विसरल आर्क सपोर्टिंग द गिल्स एंड आर हेंस कॉल्ड ब्रेंकियल आर्क्स। टोटल कितनी आर्क्स थी भाई, जल्दी से बताओ कमेंट्स के द्वारा, है ना। अब देखिए, एक तो था क्या, कॉन्ड्रोक्रेनियम, दूसरा कौन सा था, स्प्लेंक्नोक्रेनियम। क्लियर? सो फ्रेंड, स्प्लेंक्नोक्रेनियम फॉर्म्स द जॉ एंड सस्पेंड्स देम विद द कॉन्ड्रोक्रेनियम। ये बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर? सो जितना आपके लिए जानना जरूरी था, उतना मैंने जॉ सस्पेंशन के बारे में आपको बता दिया। क्लियर? अब जानते हैं इसके जो टाइप हैं, यानी कि जो सस्पेंसोरिया है वो कितने टाइप का है। कितने टाइप का भाई, 5 टाइप्स का, है ना, और टाइप के अंदर भी टाइप है। क्लियर? तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए पहला डिस्कस करते हैं, पहला कौन सा आएगा, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट है हमारे पास ऑटोडायस्टाइलिक। अब जो ऑटोडायस्टाइलिक है, नाम से क्या लग रहा है आपको, अब देखिए पहले तो स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोक्रेनियम, एंटीरियर लिगामेंट, बेसल प्रोसेस, है ना, ये प्लेटो क्वाड्रेट क्वाड्रेट है, और ये मिकेल्स कार्टिलेज है। समझ में आया अपर जो और लोअर जो का कंसेप्ट, है ना, ये गिल क्लेफ्ट है, हायोइड आर्क, हायो मैंडिबुलर, ऑटिक प्रोसेस और पोस्टीरियर लिगामेंट, और ये हो गया ऑर्बिट। दैट्स क्लियर? सो फ्रेंड, यहां पे एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या निकल के आता है, अपर जो इज अटैच्ड विद द स्कल एंड लोअर जो इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अपर जो, है ना। द सेकेंड आर्क इज ए ब्रेंकियल आर्क एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द जो सस्पेंशन। दैट्स क्लियर? ओके। अब यहां पे जो पूरा का पूरा मैटर है वो क्या है, बेसिक तो आपको पता लग गया, है ना। सो फ्रेंड, यू कैन से द जॉ आर अटैच्ड बाई द लिगामेंट, दैट इज एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्लियर? टू द कॉन्ड्रोक्रेनियम। द हायोइड आर्क डज नॉट सपोर्ट द जॉ बट रिमेन कंप्लीटली फ्री एज द पोस्टीरियर ब्रेंकियल आर्क। क्लियर? एंड द गिल क्लिफ्ट इन फ्रंट ऑफ द हायोइड आर्क डज नॉट फॉर्म ए स्पाइरल बट फॉर्म ए कंप्लीट गिल। अब ये होता किस किस के अंदर है ना, किसके अंदर होता है भाई, एकेंथोइडियंस, लिख लीजिए, ACANTHODIANS, एकेंथोइडियंस, यानी कि आप कह सकते हैं अर्ली बोनी फिश। क्लियर? अर्ली बोनी फिश के अंदर। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, एम्फी स्टाइलिक, चलिए वो भी देखते हैं। तो फ्रेंड, एम्फी स्टाइलिक के अंदर बेसिक क्या निकल के आता है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर जानेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके, है ना।
एम्फिस्टाइलिक के अंदर बेसल प्रोसेस, ऑबिट, लिगामेंट, कॉन्ड्रोक्रेनियम, ऑटिक और क्वाडेट और प्लेटोक्वाडेट, हायोमैंडिबल और मैकेल्स कार्टिलेज। क्लियर। अब देखिए यहां पे कंसेप्ट क्या है। द अपर जो हैज बेसल एंड ऑटिक प्रोसेसेस व्हिच आर अटैच्ड बाय द लिगामेंट टू द कॉन्ड्रोक्रेनियम। अब जो अपर जो है वो क्या है, क्या है, किसी को पता है इसके बारे में? मैंडिबुलर आर्क। क्लियर, लिख लीजिए मैंडिबुलर आर्क। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड, द अपर जो हैज बेसल एंड ओटिक प्रोसेस व्हिच आर अटैच्ड बाय द लिगामेंट टू द कॉन्ड्रोक्रेनियम। इज दैट क्लियर? बिसाइड दिस, द हायोमैंडिबुलर ऑफ द हायर्ड आर्क इज ऑल्सो अटैच्ड टू द कॉन्ड्रोक्रेनियम। ये है आपका कॉन्ड्रोक्रेनियम। क्लियर। और ये ओटिक प्रोसेस है यहां पे, है ना, और ये हायोमैंडिबुल है, तो दोनों के दोनों इसके साथ अटैच है। क्लियर। एंड एट द अदर एंड बोथ जो आर सस्पेंडेड फ्रॉम इट, एंड दस इट इज ए डबल सस्पेंशन इन विच बोथ द मैंडिबुलर एंड हायर्ड आर्क आर अटैच्ड टू द कॉन्ड्रोक्रेनियम। क्लियर। ओके, सो फ्रेंड, दिस टाइप ऑफ सस्पेंशोरियम इज फाउंड इन द, पता है किसी को किसके अंदर होता है? क्रॉस पेट्रिजी सुना है सभी ने, है ना, सी आर ओ डबल एस ओ क्रोसो पीई टी आर वाई जी डबल आई क्रोसो पेट्रिजी। क्लियर। उसके अलावा और किसी में भी होता है? कुछ जो प्रिमिटिव शार्क होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेपेंटकस एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, एच ई पी टी ए एन सी एच यू एस हेपेंटकस, और उसके अलावा हेक्सांकस एच ई एक्स ए एन सी एच यू एस, ये है आपकी शार्क। क्लियर, प्रिमिटिव शार्क। इज दैट क्लियर? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहां पे? चलिए नेक्स्ट आता है हायोस्टाइलिक। सो फ्रेंड, अब अगर बात करें हायोस्टाइलिक की, हायोस्टाइलिक का मीनिंग क्या होता है? ओनली ए सिंगल हायोइड आर्क बाइंड द बोथ जॉ विद द क्रेनियम, दैट्स कॉल्ड हायोस्टाइलिक। हायोस्टाइलिक का दूसरा नाम भी है क्या? किस नाम से बोलते हैं इसको, पता है किसी को? मिथाई स्टाइलिक, लिख लीजिए एम ई टी एच वाई एस टी वाई एल आई सी, और ये आपका हो गया स्ट्रक्चर हायोस्टाइलिक का। अब हायोस्टाइलिक के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखिए ये जो क्रेनियम है इससे दो क्या अटैच है अभी, दो लिगामेंट अटैच हैं, कौन कौन से? इथमोप्लेटिन लिगामेंट और स्पाइरिकुलर लिगामेंट, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लूजली अटैच्ड है। क्लियर। अब अपर जो क्या है, प्लेटोक्वाडेट, लोअर जो मैकेल्स कार्टिलेज, है ना, यहाँ पे ओबिट भी प्रेजेंट है, क्रेटोहाइला भी और बेसिहाइल भी और हायोमैंडिबुलर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अपर जो क्या है भाई, प्लेटोक्वाडेट, इट इज लूजली अटैच्ड और यू कैन से लूजली आर्टिकुलेटेड विद द क्रेनियम बाय एंटीरियर इथमोप्लेटिन लिगामेंट एंड पोस्टीरियर स्पाइरिकुलर लिगामेंट। ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। क्लियर, क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? सो फ्रेंड, बोथ जॉ आर सस्पेंडेड फ्रॉम द हायोमैंडिबुलर व्हिच इज अटैच्ड टू द ओटिक रीजन ऑफ द स्कल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब इसको हायोस्टाइलिक क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया, है ना? और ये किस किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन मोस्ट इलास्मोब्रैंक्स एंड बोनिफिसेस, एंड दीज फिसेस आर एबल टू स्वेलो लार्ज प्रेज। इज इट क्लियर? क्लियर। अब देखिए एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था ऑटोडायस्टाइलिक का, है ना? सो ऑटोडायस्टाइलिक सस्पेंशन जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव है, किसके अंदर? फिसेस के अंदर,
लिख लीजिए, ऑटो डायस्टालिक इज मोस्ट प्रिमिटिव, क्लियर। उसके बाद एम्फिस्टाइलिक, AMPHISTYLIC, एम्फिस्टाइलिक जो है, एम्फिस्टाइलिक कंडीशन जो है वो उसे से ड्राइव हुई है, इट इज ड्राइव फ्रॉम इट, क्लियर। एंड वाइल द हायोस्टाइलिक कंडीशन, सो अगर हायोस्टाइलिक कंडीशन की हम बात करें तो ये क्या है, ये क्या है भाई, मोस्ट रिसेंट, क्लियर, इट इज द मोस्ट रिसेंट हैविंग बीन अराइव्ड इंडिपेंडेंटली, क्लियर क्लियर। चलिए अब फ्रेंड्स अगर बात करें हायोस्टाइलिक कंडीशन की ही मॉडर्न शार्क के अंदर, सो द लोअर जो अटैच टू द पेट्रिगो क्वाड्रेट विच इन टर्न अटैच टू द हायोमैंडिबुलर कार्टेज ऑफ सेकेंड आर्क, इज इट क्लियर। और हायोस्टाइलिक बार बार बोल रहा हूँ, ये जो शब्द है इसको ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हिसाब से देखें तो, क्लियर। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बताई है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हायोस्टाइलिक क्यों बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लियर। चलिए अब आता है अपने पास नेक्स्ट कौन सा आएगा, चलिए देखते हैं, ऑटोस्टाइलिक आएगा, है ना। सो फ्रेंड ऑटोस्टाइलिक की अगर बात करें तो देखिए यहां पे इसके तीन पार्ट आएंगे, ठीक है। और ऑटोस्टाइलिक जो है इसको काफी जगह ऑटोसस्टाइलिक भी लिखा जाता है, क्लियर, तो उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, AUTOSYSTYLIC, ऑटो सिस्टाइलिक और ऑटो स्टाइलिक, क्लियर। सो अपर जो प्लेटो क्वाड्रेट इज कंप्लीटली फ्यूज्ड बाय इट्स प्रोसेस टू द बोनी स्कल, क्लियर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट आया है इसके अंदर, है ना, ये थोड़ा सा राउंड हो गया है ना। चलिए यहां पे क्या क्या चीजें हैं, बेसल प्रोसेस, ऑर्बिट, क्रेनियम, प्लेटो क्वाड्रेट, ऑटिक प्रोसेस, कॉलुमेला और स्टेप्स, मिकेल्स कार्टिलेज तो है ही, उसके अलावा हायोइड आर्क भी है, क्लियर। यानी कि मिकेल्स कार्टिलेज तो हर जगह प्रेजेंट है एज ए लोअर जो, क्लियर। सो द अपर जो इज कंप्लीटली फ्यूज बाई इट्स प्रोसेस टू द बोनी स्कल एंड आर्टिकुलर ऑफ द लोअर जो is suspended from the quadrate of the upper jaw. Is that clear? कोई doubt यहाँ पे? नहीं है ना? चलिए बड़ी अच्छी बात है. So the hyomandibular do not take part in suspensorium and modified into columella or you can say steps of the middle ear. अब ये जो otostylic है ना, इसी से relate करता हुआ एक last में आएगा craniostylic. उसको भी हम ऑटोस्टाइलिक ही बोलते हैं, लेकिन वो मैमल में पाया जाता है, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा ना, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, उसको आप ध्यान रखिएगा कैसे, मतलब आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ओके। सो अब अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि ऑटोस्टाइलिक क्या है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाए ऑटोसिस्टाइलिक क्या है, दोनों नेम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इसके तीन पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से, होलोस्टाइलिक, मोनिमोस्टाइलिक और स्टेप्टोस्टाइलिक, क्लियर। सो होलोस्टाइलिक क्या है भाई, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, द अपर जो इज फ्यूज टू द स्कल एंड लोअर जो इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, द हायोइड आर्क इज कंप्लीट एंड नॉट अटैच टू द स्कल, लिख लीजिए HYOID, हायोइड आर्क जो है वो कंप्लीट तो है लेकिन किसके साथ, स्कल के साथ अटैच नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है होलोसिफेली, क्लियर, यानी कि होलोस्टाइलिक से रिलेटेड करता हुआ एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, होलोसिफेली, HOLOCEPHALI।
अब होलोसिफेली का ही दूसरा नाम क्या है? चिमेरा कह सकते हैं आप, ठीक है, CHIMAERA, इज इट क्लियर, है ना। अब आता है नेक्स्ट, मोनी मोस्टाइलिक, क्लियर, मोनी मोस्टाइलिक। सो फ्रेंड ये किसके अंदर होता है भाई? बहुत सारे टेट्रापोड्स के अंदर होता है ना, TETRAPODS। लेकिन टेट्रापोड्स में मैमल के पास नहीं होगा, क्लियर। सो मैमल्स के पास फिर क्या होंगे, क्योंकि मैमल्स का तो कोई नाम ही नहीं आया है ना। सो फ्रेंड मैमल्स के पास नेक्स्ट जो टाइप होगा ना, वो मैमल्स से ही रिलेट करेगा, क्लियर। सो इन टेट्रापोड एक्सेप्ट मैमल हायोमैंडिबुलर फॉर्म कॉल्यूमेला और यू कैन से मिडल ईयर बोन, क्लियर। कॉल्यूमेला क्या है? मिडल ईयर बोन है ना। एंड द आर्टिकुलर ऑफ द लोअर जो आर्टिकुलेट्स विद द क्वाड्रेट ऑफ द अपर जो, क्लियर। एंड द क्वाड्रेट बिकेम्स एन इमूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल, क्लियर। सो ये जो क्वाड्रेट है ये इमूवेबल पार्ट बन गया, क्योंकि ये इसके साथ फ्यूज हो गया, क्लियर। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टेट्रापोड्स होंगे मैमल्स को छोड़ के, क्लियर। उसके बाद आता है स्टेप्टोस्टाइलिक। अब स्टेप्टोस्टाइलिक किसके अंदर होगा पहले तो ये जानना जरूरी है ना। लीजर्ड्स के अंदर होगा, बिल्कुल होगा। उसके अलावा स्नेक्स में भी होगा, SNAKES, स्नेक्स होगा। और क्या बर्ड्स में होगा? बिल्कुल होगा, है ना, बर्ड्स में भी है। सो फ्रेंड इन लीजर्ड्स स्नेक्स एंड बर्ड्स द आर्टिकुलेशन इज बिटवीन क्वाड्रेट एंड आर्टिकुलर, बट द क्वाड्रेट इज नॉट फर्मली फ्यूज्ड विद द स्कल एंड इज मूवेबल एट द बोथ एंड, क्लियर। आपने देखा होगा ना पक्षी के अंदर, है ना, इट इज मूवेबल एट द बोथ एंड, क्लियर। एंड दिस ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन इज डिस्टिंग्यूज्ड एज द स्टेप्टोस्टाइलिक। अब अगर आपको डिस्टिंग्यूज करना हो किसके बीच में, मोनिमोस्टाइलिक और स्टेप्टोस्टाइलिक, तो आप कर पाएंगे, है ना, विद एग्जाम्पल, है ना। होलोस्टाइलिक तो आपको पता लग ही गया और इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा आप, है ना। सो पूरा का पूरा ऑटोस्टाइलिक बड़ा इजी है, ठीक है। और लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ऑटोस्टाइलिक को ही हम ऑटोसिस्टाइलिक भी बोलते हैं, ओके। चलिए अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है और लास्ट पार्ट है किसका, जॉ सस्पेंशन का। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम शुरू होगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। सो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, कुड यू इमेजिन, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड ये है हमारे पास क्रेनियो स्टाइलिक, और जो क्रेनियो स्टाइलिक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरुआत में ही कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैमल्स से रिलेटेड होगा, तो ये मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैमल्स के अंदर, MAMMALS, क्लियर। सो इट इज फाउंड इन मैमल्स एंड इन दिस टाइप जो सस्पेंशन है उसके अंदर क्या होगा, पेट्रिको क्वाड्रेट, आपने नाम सुना है ना। चलिए जो पेट्रिको क्वाड्रेट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किसके अंदर होगा, चलिए बताएंगे सारी की सारी चीजें, क्लियर। सो फ्रेंड द अपर जो इज फ्यूज्ड विद द क्रेनियम इन इट्स एंटायर लेंथ एंड हायोमैंडिबुलर फॉर्म द स्टेप्स ऑफ मिडल ईयर बोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला, है ना। सो द क्वाड्रेट एंड आर्टिकुलर ऑल्सो मॉडिफाइड इन टू मेलस एंड इंकस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इससे रिलेट करती हुई एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जो पेट्रिको क्वाड्रेट में आपको बता रहा था, लिख लीजिए PTERYO, पेट्री ZO आएगा, पेट्रिको क्वाड्रेट। क्वाड्रेट की स्पेलिंग क्या होगी भाई, QUADRATE। अब ये जो है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, इमेजिन किया है किस किस के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, ये एलिसेफेनोइड ALISPHENOID एलिसेफेनोइड, और उसके साथ साथ इंकस। इंकस क्या होता है,
बताएगा कोई? पिछले वाले लेसन के अंदर हमने पढ़ा था, है ना? चलिए, सो फ्रेंड, द स्क्वेमोजल ऑफ द स्कल एंड डेंट्री ऑफ लोअर जो आर्टिकुलेट विद ईच अदर एंड बोथ आर डर्मल बोन्स एंड इट इज फाउंड इन मैमल्स. क्लियर? यह चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. एंड सम कंसिडर इट एज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑटोस्टाइलिक टाइप. क्लियर? यानी कि उसका ही मॉडिफिकेशन है. ऑटोस्टाइलिक हमने पढ़ा था, जिसे हम ऑटोसिस्टाइलिक भी बोल रहे थे, उसका एक अपडेटेड वर्जन है, क्रेनियोस्टाइलिक. ओके, समझ में आ गया, है ना? सो फ्रेंड, अब जो मतलब इसका मोस्ट कॉमन और मोस्ट सुटेबल एग्जांपल क्या होगा? मैमल्स तो ठीक है, कॉमनली हमने बोल दिया. आपने एक टर्म सुनी है जो हमने डिस्कस भी की थी मैमल्स के अंदर, मोनोट्रेम्स, उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा. एम ओ आगे एन ओ टी आर ई एम ई एस, मोनोट्रेम्स. क्लियर? अब देखिए, एक वर्ड आया था यहां पे, स्क्वेमोजल. क्या होता है ये स्क्वेमोजल, किसी को पता है? चलिए इसको अंडरलाइन करते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है? स्क्वेमोजल फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, लोअर जो इज डायरेक्टली अटैच टू द स्कल बोन, दैट इज स्क्वेमोजल. क्लियर? ये शब्द हो गया स्क्वेमोजल. सो यहां पे जो अपना जो सस्पेंशन है वो कंप्लीट होता है ना? इसके आगे क्या शुरू होगा, क्या शुरू होगा? वर्टिब्रल कॉलम. और वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, पता है किसी को? चलिए वो डिस्कस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, वर्टिब्रल कॉलम आप सभी ने पढ़ा होगा बेसिक इसके बारे में, है ना? और जितने भी लेसन हुए सभी में मैंने डिस्कस किया है, चाहे वो मैमल्स का हो चाहे किसी का भी हो. वर्टिब्रल कॉलम बार बार मैंने डिस्कस किया कि होता क्या है, किसके अंदर कैसा होगा ना, किसके अंदर कौन सा टाइप होगा, सारी चीजें. यहाँ पे हम प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे. ओके, प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे, टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें होंगी डिस्कस. ओके, टाइप्स, प्रोसेस और उसके अलावा क्या क्या, जो सेंट्रम है वो क्या होता है ना, सेंट्रा क्या होता है, वर्टिब्रा क्या होता है ना, इनके टाइप क्या होंगे. क्लियर? और अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर किस तरीके से ये वेरी करेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. ओके, तो चलिए फिर शुरू करें वर्टिब्रल कॉलम, है ना? चलिए. अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि जो नोटोकोड है उसके बारे में सभी जानते हैं, है ना? और हमने फर्स्ट लेसन में ही डिस्कस किया था कि नोटोकोड क्या है. जिसके अंदर प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स. जिसके अंदर एब्सेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स. क्लियर? सो अब नोटोकोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना? सो नोटोकोड के बारे में आप क्या कुछ लिखेंगे, अगर आपको कुछ लिखने को कह दिया जाए तो क्या कुछ आप मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पता है किसी को? है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद फर्दर आप लिख भी सकते हैं उस चीज को. सो द प्रिमिटिव एक्सियल स्केलेटन इज ए नोटोकोड प्रेजेंट इन ऑल कोडेट एम्ब्रियोज एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, किससे फॉर्म होती है भाई, कौन सी सेल से फॉर्म होती है, पता है किसी को? नहीं पता ना, चलिए मैं बता देता हूँ. कोडा मेसोडर्म शेल, क्लियर? लिख लीजिए, सी एच ओ आर डी ए एम ई एस ओ डी ई आर एम, कोडा मेसोडर्म सेल्स दैट फॉर्म्स नोटोकोड. क्लियर? कंसेप्ट क्लियर फ्रेंड्स? इट इज ए स्टिफ रॉड बिलो द नर्व कॉर्ड एंड अबाउ द एलिमेंट्री कैनाल रनिंग फ्रॉम द इनफेंडिबुलम टू द हिंड एंड ऑफ द बॉडी. क्लियर? इतना बहुत है नोटोकोड के बारे में, है ना? नोटोकोड का जो कंसेप्ट है वो काफी बेसिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है. क्लियर? सो एज यू नो, द फर्स्ट सेल
of the notochord are packed closely, but later they fuse together and become vacuolated except a layer of peripheral cells. So the layer, or you can say the notochord, is enclosed in a inner and outer elastic fibrous sheath. अब जो inner है उसको हम क्या बोलेंगे? Inner को हम क्या बोलेंगे भाई? किसी को पता है इस concept के बारे में? उसको हम बोलेंगे elastica interna. लिख लीजिए. Elastica interna. और दूसरी को क्या बोलेंगे? एक्सटर्ना. इलास्टिका एक्सटर्ना. एक्सटर्ना मीन्स आउटसाइड और इंटरना मीन्स इनसाइड. क्लियर? सो ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर नोटोकोड से रिलेटेड. चलिए अब वर्टिब्रल कॉलम शुरू करते हैं ना. पहले ये बेसिक पढ़ना जरूरी था. सो फ्रेंड, वर्टिब्रल कॉलम इज ए पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन दैट सपोर्ट द बॉडी वेट एंड बैलेंस द बॉडी ऑन इट्स एक्सिस. अब देखिए, आप जो योगा कर पाते हैं ना आज के टाइम पे, ये सारा इसी का कमाल है, है ना. वर्टिब्रल कॉलम का कह लीजिए, चाहे नोटोकॉर्ड का कह लीजिए, है ना. ऐसा तो नहीं है ना कि किसी नॉन कॉर्डेट्स को आपने योगा करते हुए देख लिया हो. ये सारा इसी का कमाल है. क्लियर? सो फ्रेंड, एज यू नो द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैज ए सिंगल रोड लाइक नोटोकॉर्ड, है ना. ये मैं आपको बता चुका हूं कि नोटोकॉर्ड कैसी है, सिंगल रोड लाइक एज ए एक्सियल स्केलेटन. बट इन लेटर ग्रुप ए वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्टिब्रा रिप्लेस्ड इट एंड इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेंडिंग ऑफ द बॉडी पॉसिबल. अब देखिए, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि इस तरीके से बेंड कर जाते हैं ना. ये उनके पैर हैं और ये हाथ है, ये यहां पर टच कर देते हैं. ये सारा कुछ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. क्लियर? जिस तरीके से आप अपने शरीर को ढालते हुए चले जाएंगे उसी हिसाब से ये ढलता हुआ चला जाएगा. इज इट क्लियर? क्लियर है ना. चलिए, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके. फ्रेंड्स, आपने जो टेबल है पिछले वाले लेसन के अंदर हमने जो पढ़ी थी, तीन टेबल थी, दो या तीन टेबल थी, उनमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट एक टेबल के द्वारा सारे के सारे बताए हुए थे, है ना. वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. जब दोनों लेसन एक साथ पढ़ने हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. क्लियर? अब देखिए, एम्फियोक्सस किसे बोलते हैं भाई? प्रोटोकॉर्डेट्स को, है ना. और लेम्प्रे, साइक्लोस्टोम्स. क्लियर? सो इन प्रोटोकॉर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स द एक्सियल स्केलेटन इज प्राइमरली द नोटोकॉर्ड. क्लियर? एंड विच पर्सिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एनिमल. नोटोकॉर्ड ऐसा तो नहीं है कि मतलब जन्म के बाद आई और मृत्यु से पहले चली गई हो, ऐसा तो नहीं है ना. जन्म के साथ आई थी और जब आप मरेंगे तो वो साथ में चली जाएगी. इज इट क्लियर? है ना. ये थोड़ा सा मतलब बीच में छोटा सा रिलेट करता हुआ कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया. मैं बार बार यही चीजें बोलता हूँ कि जो जूलॉजी है उसको रिलेट करके पढ़िए अपने जो डेली लाइफ है उससे. सो फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो वर्टिब्री है वो इसको रिप्लेस कर देगी. अब वर्टिब्री होती क्या है, है ना, क्या होती है भाई? फ्रेंड्स, वर्टिब्री ऑफ वेरियस एनिमल आर डिफरेंट एंड इवन इन द सेम वर्टिब्रल कॉलम देर आर डिफरेंसेस बट ऑल वर्टिब्री कन्फर्स टू ए बेसिक प्लान. अब क्वेश्चन यही आता है कि वर्टिब्री है क्या, है ना. कोई आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई वर्टिब्री को डिफाइन कीजिए, है ना, या फिर कह सकते हैं कि वर्टिब्रा को डिफाइन कीजिए. देखिए, जो एक ह्यूमन नेचर है ना कि हम एडवांस लेवल का तो सारा कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक्स नहीं पढ़ते, है ना, और फिर आपको बेसिक्स में ही फंसा दिया जाता है. क्लियर? सो फ्रेंड, वर्टिब्रल कॉलम को आप बोलेंगे बैकबोन, कह सकते हैं, है ना. सो वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ऑल वर्टिब्री इज फॉर्म्ड ऑफ ए मेटामेरिक सीरीज. मेटामेरिक सीरीज किसकी? वर्टिब्रे की. क्लियर? सो दैट्स कॉल्ड वर्टिब्रा. क्लियर? एंड मेटामेरिक सीरीज ऑफ
very small and essential similar pieces, that is called vertebrae. क्या कंसेप्ट आया? एक मेटामेरिक सीरीज है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस की, जिससे पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन होती है, पूरी की पूरी बैकबोन की फॉर्मेशन होती है. और वो जो छोटी छोटी यूनिट है उसको ही हम वर्टिब्रा कह सकते हैं या फिर वर्टिब्री कह सकते हैं. क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? चलिए, बड़ी अच्छी बात है. सो अब क्या कुछ कंसेप्ट निकल के आता है इससे रिलेटेड? देखिए, फिश से रिलेट करता हुआ एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं. क्लियर? फिश का थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा. एक आपने सुना होगा प्री एनल, है ना, प्री एनल्स और पोस्ट. क्लियर? अब देखिए, प्री एनल को हम क्या बोल देते हैं? ट्रंक भी बोल देते हैं, है ना. और इसको हम क्या बोल देते हैं? पोस्ट एनल को क्या बोलते हैं भाई? कॉडल भी बोल देते हैं, सी ए यू डी ए एल. सो फिश वर्टिब्री आर डिविजिबल इन टू ट्रंक एंड कॉडल. सो द कॉडल आर रिकॉग्नाइजेबल बाय द प्रेजेंस ऑफ हीमल आर्क ऑन द अंडर साइड ऑफ सेंट्रम. और सेंट्रम जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रम को ही क्या बोल रहे हैं? नोटोकॉर्ड, है ना. सो सेंट्रम इन फिशेज इज कैसा है भाई? कैसा है, पता है किसी को? अब देखिए, इसको इससे रिलेट कर लीजिए. सेंट्रम जो है वो कैसा है? एम्फीकॉयलस, ए एम पी एच आई सी ओ ई एल यू एस. इज दैट क्लियर? समझ में आया, है ना. पूरा घुमा के कंसेप्ट एक बना दिया. इसीलिए ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो इंटरेस्टिंग है ना. पढ़ने में भी मजा आता है और मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स काफी अच्छे होते हैं. क्लियर? सो फ्रेंड, इन टेट्रापोड वर्टिब्रल कॉलम हैज फाइव रीजन. कौन कौन से अभी वो फाइव रीजन पता है ना सभी को? सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉर्डल. एंड ईच हैव सेवरल वर्टिब्रे. क्लियर? एंड एम्फीबियंस हैव अ सिंगल सर्विकल और वन सेक्रल वर्टिब्रा. ये हो गया नाइन्थ और ये हो गया एटलस. सो वर्टिब्रा के बारे में सारा कुछ क्लियर है ना. अब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या कुछ लिख दें भाई, है ना. काफी बड़ा हो जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ. क्लियर? क्योंकि आपको जस्ट टू द पॉइंट लिखना है. यूपीएससी को सब पता है, आपको नॉलेज है ना, लेकिन वो आपको किस तरीके से टेस्ट करेगी, किस तरीके से जज करेगी कि आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है. क्लियर? आप किस तरीके से बड़े कंसेप्ट को छोटे से में बना के लिख देते हैं. ओके? सो फ्रेंड, ए टाइपिकल वर्टिब्रा हैज ए सिलेंड्रिकल बॉडी और यू कैन से सेंट्रम विच एनक्लोजेस और रिप्लेस एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड. ओके? जैसे वर्टिब्रल कॉलम को किसने रिप्लेस किया? किसने रिप्लेस किया? वर्टिब्रा ने. क्योंकि वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्री कह सकते हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी. ओके? सो इसी तरीके से जो सेंट्रम है ना, वो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करता हुआ चलता चला जाएगा. ओके? सो अबाउ द सेंट्रम इज ए न्यूरल आर्क एनक्लोजिंग ए न्यूरल आर्क थ्रू विच द नर्व और स्पाइनल कॉर्ड पासिस. अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि न्यूरल आर्क क्या है? क्या है भाई न्यूरल आर्क? और एक कंसेप्ट और था ना, कौन सा था? न्यूरल स्पाइन. इन दोनों को कैसे रिलेट करें? द न्यूरल आर्क इज प्रोड्यूस्ड डोर्सली इनटू ए न्यूरल स्पाइन इन द कॉडल रीजन ऑफ फिश बिलो द सेंट्रम इज ए कौन सी आर्क थी भाई वहां पे? हीमल आर्क, है ना. हीमल आर्क थी दैट एनक्लोजिंग ए हीमल कैनल थ्रू विच द कॉडल आर्टरी और यू कैन से वेन, कॉडल आर्टरी एंड वेन पास. क्लियर? सो द हीमल आर्क इज प्रोड्यूस बिलो इन टू द हीमल स्पाइन. अब देखिए, इसको रिलेट करें. न्यूरल आर्क क्या हुआ अभी? न्यूरल स्पाइन. ओके? अब जो हीमल है वो हीमल स्पाइन.
ये क्या क्या हो गया? एच ए ई एम ए एल हीमल स्पाइन. ओके, मतलब कंसेप्ट को एक दूसरे से रिलेट कीजिए, रटिएगा मत, है ना. कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कंसेप्ट को. ओके, सो अब जो इसके कुछ प्रोसेसेस हैं वो पढ़ लेते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, वर्टिब्री क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होता है ना. सेंट्रम के बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा, है ना, सेंट्रम सेंट्रा ये सारी चीजें. सो अभी इसके जो प्रोसेसेस हैं वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि जायगोफाइसिस है ना, और भी बहुत सारे हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, डायोफाइसिस है, पैरापोफाइसिस है, मतलब बेसोफाइसिस, प्लूरोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ये सारी चीजें हैं. क्लियर? सो ये सारी चीजें पढ़ेंगे. सो फ्रेंड, प्रोसेस किस तरीके के होंगे, है ना, बहुत सारे टाइप है इसके अंदर, जैसे जायगोफाइसिस. और जायगोफाइसिस के भी दो पार्ट होंगे. पहले तो ये जान लेते हैं कि जायगोफाइसिस है क्या. फ्रेंड्स, जायगोफाइसिस प्रेजेंट ओवर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेस ऑफ द न्यूरल आर्क एंड द एट्रिकुलेशन बिटवीन द सक्सेसिव वर्टिब्रा. अब जायगोफाइसिस जो है वो दो टाइप के हैं. कौन कौन से? एक प्री एंड पोस्ट. अब प्री एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस है, है ना, ये तो हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट. चलिए प्री जानते हैं पहले, है ना. फ्रेंड्स, प्री जायगोफाइसिस आर इंटीरियर प्रोजेक्शन फेसिंग अपवर्ड. क्लियर? फेसिंग अपवर्ड. एंड पोस्ट में क्या होगा? पोस्ट जायगोफाइसिस आर पोस्टीरियर प्रोजेक्शन दैट फेसिंग डाउनवर्ड. क्लियर? एक तो हो गया अपवर्ड, दूसरा हो गया डाउनवर्ड. इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? एक हो गया एंटीरियर प्रोजेक्शन. क्लियर? ये हो गया एंटीरियर और ये हो गया पोस्टीरियर. पोस्ट को आप पोस्टीरियर से ध्यान रखिएगा और प्री को एंटीरियर से. क्लियर? दूसरा तो एंटीरियर अपने आप ही हो जाएगा. चलिए अब नेक्स्ट अपने पास आता है ट्रांसवर्स प्रोसेस. फ्रेंड्स, लेटरल ट्रांसवर्स प्रोसेस arise from the सेंट्रम, CENTRUM. ठीक है, इतना ध्यान रखिए इसके अंदर. इसके अलावा और कुछ तो कंसेप्ट नहीं बचता है ना. एंड सर्व फॉर द अटैचमेंट ऑफ लीगामेंट एंड मसल्स. क्लियर? क्लियर है? लिख लीजिए लीगामेंट और दूसरा क्या बताया? मसल्स, MUSCLES. ओके, अब नेक्स्ट आता है डायोफाइसिस प्रोसेस, है ना. सो डायोफाइसिस अराइजिंग फ्रॉम द न्यूरल आर्क और द सेंट्रम एंड सर्व फॉर द अटैचमेंट ऑफ द अपर हेड और यू कैन से ट्यूबरकुलम ऑफ द टू हेडेड रिब. अब टू हेडेड रिब, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? मतलब एक टर्म यहां पे लिख लीजिए, बाइसिपिटल लिख लीजिए, BICIPITAL. ओके, बाइसिपिटल या फिर बेसिपिटल भी बोल दीजिए ना, थोड़ा सा मतलब अगर दिक्कत लगे बोलने में तो बेसिपिटल भी बोल दीजिए. इसके बाद नेक्स्ट अपने पास पार्ट आता है पैरापोफाइसिस दैट अराइज लेटरली फ्रॉम द सेंट्रम for attachment of the ventral head of the bicipital rib. और जो bicipital है वो आपको समझ में आया, क्या है वो? क्या है भाई? टू हेडेड रिब, है ना. अब जो ventral head है उसको भी एक टर्म हम दे सकते हैं. ventral head को क्या बोलेंगे पता है किसी को? capitulum, CAPITULUM. ओके, ये टर्म आप लिख लीजिए, कैपिटुलम. चलिए अब फिर आता है अपने पास बेसोफाइसिस. ये कुछ प्रोसेस है और बड़े सिंपल सिंपल प्रोसेस हैं, ज्यादा कुछ डिटेल में लिखना नहीं है, है ना. और टू द पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे. सो बेसोफाइसिस आर अ वेंट्रोलेटरल प्रोसेस. ओके, लिख लीजिए वेंट्रो लेटरल. ओके,
It is ventrolateral process of the centrum or hemal arc. Okay, and they are remnant of hemal arc or articulate with the hemal arc when present. मतलब ये थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा मैंने घुमा के बता दिया ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया. चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए. इट इज द वेंट्रोलेटरल प्रोसेस ऑफ द सेंट्रम. इतना याद रखेंगे, है ना. इट इज द वेंट्रोलेटरल प्रोसेस ऑफ सेंट्रम और यू कैन से हीमल आर्क एंड दे आर द रेमनेंट ऑफ हीमल आर्क और आर्टिकुलेट विद द हीमल आर्क इफ इट इज प्रेजेंट. ओके समझ में आ गया, है ना. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? प्लूरापोफाइसेस. ओके सो प्लूरापोफाइसेस आर वेंट्रल और लेटरल. कैसा होगा भाई? लेटरल. ठीक है. इट इज द लेटरल प्रोजेक्शन टू विच शॉर्ट रिब आर फ्यूज्ड. ओके समझ में आ गया. अब नेक्स्ट क्या है? हाइपरफाइसेस. हाइपोफाइसिस के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज द कैसा प्रोजेक्शन है? मिड वेंट्रल. ओके इट इज द मिड वेंट्रल प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेंट्रम. ओके समझ में आ गया ना. अब देखिए एक कंसेप्ट और आता है कि वर्टिब्रा का डेवलपमेंट. सो आप इतना डिटेल में ना जाने के बजाय थोड़ा सा समझ लीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रा वैसे तो कोई पूछेगा नहीं आपसे यूपीएससी में, है ना. इनडायरेक्टली अगर आपको लिखना पड़ जाए अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, तो मैं आपको दो तीन पॉइंट बता देता हूं जो कि मोर देन सफिशियंट होंगे. ओके फ्रेंड्स, मेसेनकाइम सेल सभी समझते हैं, है ना. सो मेसेनकाइम सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द, कैसे प्रोड्यूस होती हैं? मेटामेरिक स्क्लेरोटोम्स. ठीक है. इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटामेरिक स्क्लेरोटोम्स. ए स्क्लेरोटोम बिकेम डिफरेंशिएटेड इनटू अ डेंस पोस्टीरियर और यू कैन से कोडल हाफ एंड लेस डेंस, और यू कैन से लेस डेंस किस में होगी? एंटीरियर में, या फिर कह सकते हैं क्रेनियल हाफ में. ठीक है. एक कोडल हाफ होगा और एक क्रेनियल हाफ, यानी कि जिसे आप बोल रहे थे फिश के अंदर ट्रंक एंड कोडल, प्री एनल एंड पोस्ट एनल, है ना, ऐसा ही कुछ था. So the caudal and the cranial half separate, then the caudal half of each sclerotome fuses with the cranial half of the following sclerotome. Thus the definite sclerotome are formed and they come to lie intersegmentally altering with the myotomes. ठीक है, इतना ध्यान रखिए वर्टिब्रा के डेवलपमेंट के लिए. So this is an adaptation by which each myotome will become connected with the two successive vertebra and their ribs by this arrangement. Clear? That's all. अब arrangement से relate करता हुआ concept किसके ऊपर लेके जाएंगे फिर आप? Vertebral column के ऊपर. Arrangement movement of the vertebral column occurs. ठीक है, ये हो गया आपका development of vertebra. Okay. So, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है, देखिए एक कंसेप्ट और बनता है अगर आप लिखना चाहें तो. सेंट्रम क्या होता है अभी और उसके टाइप्स, है ना. वैसे तो देखिए छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि जो क्रॉस पेट्रिजियंस है उसके बारे में. ठीक है, चलिए पहले नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पर चलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना टाइप्स ऑफ सेंट्रा एंड वर्टिब्रा. ठीक है, यहाँ पे लगभग छह टाइप हैं और इनके विद मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि इस शब्द का क्या मीनिंग निकल के आता है. ठीक है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सेंट्रम क्या है. ठीक है, सेंट्रम की फॉर्मेशन कैसे होती है. ठीक है, सेंट्रम की जो फॉर्मेशन है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ. ओके उससे पहले एक और शब्द बता देता हूं, है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के. आर्क्यूलिया, ए आर सी यू ए एल आई ए, सी यू ए एल आई ए. ठीक
ठीक है, आर्क्यूलिया। फ्रेंड्स आर्क्यूलिया किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे पता है, इट इज द फोर पेयर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, फोर पेयर ऑफ कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड आर्क्यूलिया। ओके चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब अगर जो सेंट्रम है उसके फॉर्मेशन की बात करें तो वही हो जाएगा कि हिमल आर्क से रिलेट करेंगे, है ना, ये सारी चीजें हैं। द बेसी वेंट्रल इंटरडोसल एंड द इंटरवेंट्रल फॉर्म ए सेंट्रम अराउंड द नोटोकॉर्ड, और बहुत सारी जगह हम नोटोकॉर्ड को ही सेंट्रम बोल रहे थे, है ना, क्योंकि वो उसी का बेसिक पार्ट है। एंड इन ए टेल रीजन द बेसी वेंट्रल ऑल्सो एक्सटेंड बिलो टू फॉर्म ए हिमल आर्क, आ गया ना वही कंसेप्ट हिमल आर्क वाला, है ना। चलिए अब सेंट्रम के टाइप की बात कर लेते हैं। ओके सो टाइप्स ऑफ सेंट्रम की नहीं, टाइप्स ऑफ सेंट्रा। ओके सेंट्रम अलग है और सेंट्रा अलग है। सेंट्रम के टाइप तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, डेफिनेटली नहीं पूछेगी, ठीक है। सेंट्रम और सेंट्रा में क्या डिफरेंस है जरा मुझे बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा। ओके सो फ्रेंड टाइप्स ऑफ सेंट्रा के अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है कौन सा, बताइए भाई कौन सा लिखा हुआ है, प्रोकोइलस है, है ना। चलिए सो प्रोकोइलस का मीनिंग क्या होगा, प्रो मीन्स इन फ्रंट एंड कोइलस मीन्स हॉलो। ओके लिख लीजिए, प्रो मीन्स इन फ्रंट और कोइलस मीन्स हॉलो। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना। सो वर्टिब्रा हैज इट्स सेंट्रम कॉनकेव एट द एंटीरियर एंड एंड कॉन्वेक्स एट द पोस्टीरियर एंड एंड इट इज फाउंड इन फ्रॉग एंड मोस्ट रेप्टाइल्स, ठीक है, ये इसका विद एग्जांपल हो गया। ओके अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा आता है, ऑफिस्थोकोइलस, ठीक है। सो ऑफिस्थोकोइलस का मीनिंग क्या होगा पता है किसी को, ऑफिस्थो मीन्स क्या होगा, एट द बैक, ठीक है, और कोइलस मीन्स आपको पता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। सो वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रम कॉन्वेक्स एट द एंटीरियर एंड कॉनकेव पोस्टीरियरली, कॉन्वेक्स होगा एंटीरियर साइड पे, कॉनकेव होगा पोस्टीरियर साइड पे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो बताने की जरूरत नहीं है ना, है ना, ये है कॉन्वेक्स, देखिए बता देते, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, ठीक है, क्लियर है ना। एंड फ्रेंड्स इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ग्रुप बट अकर्स इन ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस का मीनिंग क्या है, चाहे वो एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे मैमल हो, मतलब कोई भी, ठीक है, कॉमन है। चलिए नेक्स्ट आता है एम्फीकॉलस। सो एम्फी मीन्स, एम्फी का मीनिंग क्या होगा, एम्फी मीन्स बॉथ। ओके आगे के जो कंसेप्ट है ना वो इसी को देखते हुए आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है सारा कुछ इसी के बेसिस पे होगा, अलग अलग ग्रुप के हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो एम्फीकॉलस वर्टिब्रा हैज इट्स सेंट्रम कॉनकेव एट द बोथ एंड एंड दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप एंड इज फाउंड इन नियरली ऑल फिशेस। ओके अब देखिए एम्फीकॉइलस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा और कंसेप्ट डिटेल में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉमनली तो हमने क्या बोल दिया, इट इज फाउंड नियरली इन द ऑल फिशेस, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेल्ड एम्फीबियंस होंगे, कैसे, टेल्ड एम्फीबियंस उनके अंदर भी होगा, और फ्रॉग के अंदर किसमें, एट्थ वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग। ओके एट्थ ऑफ फ्रॉग, ये चीज ध्यान रखनी है आप, ठीक है। और प्रोकोइलस के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, ये जो फ्रॉग है ना ये कौन सी क्लास के अंदर आता है, है ना। सो एक तो हो गया
फ्रॉग एंड मोस्ट रेपिटाइल्स, या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं एन्यूरा एंड रेपिटाइल्स। एन्यूरा पता है क्या है? एन्यूरा हमने डिस्कस किया था, है ना, एन्यूरा, एपोडा, ये सारी चीज़ें, यूरोडेला, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कौन से क्लास के अंदर डिस्कस की थी भाई? क्लास से मीनिंग मेरा ये नहीं कौन सा लेक्चर, ये नहीं कौन सी क्लास, एम्फीबियंस, रेपिटाइल्स, किसके अंदर डिस्कस की थी बताओ जल्दी से, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर हम फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट है वो फिर से डिस्कस करेंगे। सो अब अपने पास नेक्स्ट आता है एम्फी प्लेटियन या फिर एकोयलस। अब प्रो कोयलस था, है ना, प्रो का मीनिंग क्या था? इन फ्रंट, कोयलस हॉलो, तो अब ए कोयलस का मीनिंग क्या होगा? ए मीन्स एबसेंट, है ना, ए मीन्स एबसेंट, ओके, समझ में आया। और प्लेटीमेंस, प्लेटीमेंस ये लिख ली, ये हो गया फ्लैट, ओके। चलिए अब इसका कंसेप्ट समझे। वर्टिब्रा हैज इट्स सेंट्रम फ्लैट एट द बोथ एंड एंड इज फाउंड इन द मैमल्स। ये जो अजीबोगरीब चीजें हैं ना, ये सारी की सारी मैमल्स में मिलेंगी, ठीक है। सो देर इज नो कॉनकेविटी एंड देर इज नो कॉन्वेक्सिविटी, ना तो कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है। इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? एकोयलस बोल रहे हैं, है ना, दूसरा नाम भी मैंने आपको बता दिया उसके साथ साथ। चलिए नेक्स्ट आता है बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स मीनिंग से आपको पता लग रहा है ना, दोनों तरफ कॉन्वेक्स। सो सेंट्रम इज कॉन्वेक्स एट द बोथ एंड एंड इट इज फाउंड इन द 9th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग। और ये एम्फीकोयलस किस में था? 8th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग, है ना, डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। दोनों के अगर आपको डिफरेंस लिखने होगी, 8th में कौन सा है, 9th में कौन सा है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट तो आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद लास्ट आता है हेट्रोकोयलस। हेट्रो का मीनिंग क्या है बताओ अभी जल्दी। हेट्रो मतलब एसिमेट्रिकल, ठीक है, लिख लीजिए, ए सिमेट्रिकल, एस वाई डबल एम ई टी आर आई सी ए एल, एसिमेट्रिकल, ओके, हेट्रोकोयलस एसिमेट्रिकल हॉलो। सो फ्रेंड, वर्टिब्रा हैज द सेंट्रम शेडल शेप्ड ट्रांसवर्सली, द एंटीरियर एंड इज कॉन्वेक्स डोसोवेंट्रली एंड कॉनकेव साइडवेज, वाइल द पोस्टीरियर एंड इज अपोजिट ऑफ द एंटीरियर एंड, एंड दिस इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड वर्टिब्रा एंड इज फाउंड इन नेक रीजन ऑफ द बर्ड। ऐसा कुछ बताया था कंसेप्ट? देखिए जो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, वही चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं, लेकिन डेडिकेटेड मैनर में और एक थोड़ा सा डिटेल के अंदर, ओके। चलिए ये आपको समझ में आ गया, टाइप ऑफ सेंट्रा एंड वर्टिब्री, है ना, बड़ा बेसिक कंसेप्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ओके। अब जो पॉइंट आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, किससे रिलेटेड होंगे? अलग अलग ग्रुप से रिलेट करते हुए होंगे, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेट करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमारे पास आता है साइक्लोस्टॉम्स। सो नोटोकोड हम पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रा हम पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ चुके हैं, है ना, और सेंट्रम के बारे में आपको बता चुका हूँ, सेंट्रा बता चुका हूँ, है ना, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो अब जो बेसिक बेसिक पॉइंट है और जो सीधे सीधे पॉइंट है, यानी कि इस ग्रुप में क्या होगा, इस ग्रुप में क्या होगा, वो चीजें आपको देखनी है। सो फ्रेंड, पहला कौन सा भी? साइक्लोस्टॉम्स। नोटोकोड प्रसिस्ट एंड द कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम एनक्लोज इट फ्रॉम द वेंट्रल एंड लेटरल साइड, वाइल ऑन द डोर्सल साइड देर इज ए कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन की जरूरत नहीं है, है ना, जितना लिखा हुआ है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है, सीधे सीधे पॉइंट मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास इलास्मोब्रैंक्स। सो फ्रेंड, वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस एंड कॉन्टिन्यूसली रैप्ड अराउंड द नोटोकॉर्ड, ठीक है, क्लियर।
and there are only two type of vertebra, namely trunk and caudal, यानी कि preanal और postanal, ठीक है? ये concept में मैं discuss कर चुका हूँ. Friends, the lateral possesses hemal arch and hemal spine. Clear? ये भी discuss कर चुका हूँ. Okay? And the vertebra has diplo spondylus, कुछ ऐसा होगा, ठीक है? Vertebra कैसा होगा? Diplo spondylus, लिख लीजिए. DiPloSpondylus. Diplospondylus and having anterior hypocentrum and posterior pleurocentrum. Okay, concept clear? चलिए next है teleost. So friend, vertebra are bony and identifiable into trunk and caudal vertebra. And caudal vertebra possesses long neural and hemal spine. Same वही concept आ रहा है ना? थोड़े-थोड़े differences होंगे जो आपको मेंशन करने होंगे एग्जाम के अंदर, या फिर एज इट इज भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा. लेकिन आपको अगर आर्ट ऑफ राइटिंग दिखानी है कि ज्यादा कंटेंट कम शब्दों में लिख दें आप, तो आपको वो करना पड़ेगा. ओके, सो सेंट्रा आर एम्फिकॉइलस एंड नोटोकॉर्ड इज एक्सट्रीमली कंस्ट्रिक्टेड इन द मिडल ऑफ द सेंटर एंड रिब्स आर सिंगल हेडेड अटैच टू द ट्रंक वर्टेब्रा. क्लियर? So, देखिए ये तो हो गए जिन्हें आप बोलते हैं ना छोटी छोटी चीजें, वो हो गई. ये तो अब आएगी कुछ बड़ी बड़ी क्लासेस. एम्फीबिया आ जाएगा, रेपिटाइल्स आ जाएगा ना, और एविस आएगा, मैमल्स आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी. ओके, चलिए वो देखते हैं. और एम्फीबिया के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था, ये एपोडा, यूरोडेला है ना, और एन्यूरा. कुछ समय पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था, 5-10 मिनट पहले, कि ये चीज़ें हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? और ये डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं एम्फीबिया के जो लेसन्स थे उनके अंदर. सो फ्रेंड, इन एम्फीबिया सेंट्रा एम्फिकॉलस एंड नोटोकॉर्ड पोसिस्ट, अ नंबर ऑफ वर्टिब्रा कैन बी एज मैनी एज 250 एंड कोडल रीजन इज शॉर्ट एंड सेक्रल रीजन जो है वो क्या होगा? एबसेंट, ठीक है? और यूरोडेला के अंदर इट हैज ऑल्सो वर्टिब्रा, that is amphicoelous, except in the slamanders, clear? In which they are opisthocoelous. Opisthocoelous क्या होता भी? Discuss किया था हमने opisthocoelous, है ना? है ना? Opistho का meaning क्या था? बताएगा कोई? बताएगा कोई? Opistho. अभी discuss किया था या नहीं किया था? देखिए, एक था pro और एक था opistho. प्रो का मीनिंग था इन फ्रंट, ऑफिस्टो का मीन्स एट द बैक, ठीक है? समझ में आ गया है ना? ये चीजें ध्यान रखा करो, मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ओके, सो फ्रेंड, द नंबर कैन बी एज हाई एज 100 एंड हीमल आर्क प्रेजेंट इन द टेल. हीमल आर्क, हीमल स्पाइन, न्यूरल आर्क, न्यूरल स्पाइन, सभी को पता है क्या होती है ना? अब देखिए लास्ट में बात करते हैं एन्यूरा की. ओके, इन एन्यूरा vertebra are procoelous and caudal region is absent and in frog first vertebra is atlas or cervical which is ring shaped to support the skull. Clear? अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखे हुए ना procoelous, amphicoelous, biconcave, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कौन से vertebra में ये होंगी. Clear? So vertebra in frog are stereospondylus with hypocentrum supporting the neural arc. देखिए procoelous की अगर बात करें, so second से लेके seventh vertebra तक लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, ठीक है? second to seventh vertebra are procoelous with elongated transverse process. इसके साथ साथ process भी जोड़ दीजिए, ठीक है? process भी हमने पढ़ी है ना, और ये कंसेप्ट भी हमने पढ़े हैं. उसके अलावा जो नेक्स्ट है एम्फिकोलस, एम्फिकोलस की अगर बात करें तो एट्थ वर्टिब्रा जो है वो कैसा होगा? कैसा होगा भी? एम्फिकोलस, ठीक है? नाइन्थ कैसा होगा? बाइकोन केव,
कंसेप्ट क्लियर? सो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोकोलस, एम्फिकोलस और बाइकॉन्वेक्स, सेकेंड टू सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। क्लियर? अब लास्ट कंसेप्ट क्या आता है, इट ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, इट्स ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आर लॉन्ग एंड ब्रॉड टू ब्रेस्ट अगेंस्ट द इलियम बोन ऑफ पेल्विक ग्रिडल। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, वर्टिब्रा इन फ्रॉग आर कैसे होते हैं, स्टीरियो स्पोंडाइलस। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। फ्रेंड्स, रेप्टाइल्स के अंदर भी कुछ सीधे सीधे पॉइंट है, और रेप्टाइल के अंदर विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू एटलस, एक्सिस, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉडल रीजन। दीज आर द रीजन, कितने हो गए, 6 से 7 रीजन है, है ना। चलिए, सो एटलस एंड एक्सिस मेक द फ्लेक्सिबल स्कल जॉइंट दैट अलाउ द स्कल टू मूव अप, डाउन एंड साइडवेज। रेप्टाइल्स आपने देखे होंगे, है ना, अपने घर के आसपास। एंड थोरेसिक वर्टिब्रा कैरी सिंगल हेडेड रिब एंड कॉडल वर्टिब्रा हैव शेवरॉन बोन या फिर शेवरॉन बोन ऑन द वेंट्रल साइड। क्लियर? एंड सैक्रल वर्टिब्रा आर ऑलवेज टू एंड फ्यूज टूगेदर टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेटिंग ज्वाइंट विद द पेल्विक क्रिडल। अब देखिए, अब अगर बात करें चिलोनिया की, CHELONIA, एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, 10th थोरेसिक वर्टिब्रा इंक्लूडिंग देयर रिब्स आर फ्यूज विद द कैरापस। 10th इट इज फ्यूज विद द कैरापस। ये हमने रेप्टाइल्स जब डिस्कस किया था उस समय ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ था, है ना। अब अगर लिजर्ड की बात करें, जो कि मोस्ट कॉमन है, है ना, लिजर्ड की अगर बात करें, सो देर आर अबाउट 22 डोर्सल वर्टिब्रा। ठीक है, 22 डोर्सल वर्टिब्रा एंड ऑल ऑफ देम कैरी रिब्स। ठीक है, सभी के पास रिब्स होंगी एंड इवन सर्विकल रिब्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और स्फिनोडोन हमने पढ़ा था, स्फिनोडोन हैज एम्फिकोइलस वर्टिब्रा। ठीक है, लिख लीजिए SPHENODON, स्फिनोडोन इज हैविंग एम्फिकोइलस। ओके, सो यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए लिजर्ड के अंदर, कि यहां पे सर्विकल रिब्स भी प्रेजेंट होंगी, CERVICEL, सर्विकल रिब्स। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से निकल के आता है। अब अगर स्नेक्स की बात करें, सो स्नेक्स की अगर बात करते हैं तो यहां पे कितने वर्टिब्रा होंगे, लिख लीजिए SNAKES, स्नेक्स के अंदर बहुत सारे होंगे, इट इज अप टू यू कैन से 435। ओके, एंड देर कैन बी अप टू 435 वर्टिब्रा, सर्विकल एंड डोर्सल वर्टिब्रा दैट ऑल कैरी रिब्स, एंड देर इज नो सैक्रल वर्टिब्रा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या निकल के आया, कि यहाँ पे जो सैक्रल वर्टिब्रा है वो एबसेंट है, SACRAL, सैक्रल, VERTEBRA, ये यहाँ पे एबसेंट है। ओके, एंड फ्रेंड्स, ऑल वर्टिब्रा कैरी ए पैग लाइक प्रोसेस दैट्स कॉल्ड जाइगोस फिन्स, ZYGOSPHENE, जाइगो स्फिन ऑन द एंटीरियर साइड एंड विच फिट इन टू द कैविटी दैट्स कॉल्ड जाइगेंट्रम। इसकी कैविटी को हम क्या बोल देंगे, जाइगेंट्रम, ZYGANTRUM। ओके, ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एंटीरियर वर्टिब्रा मेकिंग द अटैचमेंट बिटवीन वर्टिब्रा, और जो अटैचमेंट होगी वो कैसी होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके,
क्लियर। अब देखिए, अगर आप बात करें क्रोकोडाइल्स की, CROCODILES, क्रोकोडाइल्स। सो इन क्रोकोडाइल्स थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्री आर डिफरेंशिएटेड एंड रिब्स आर डबल हेडेड विद एन यूनिकेट प्रोसेस, ठीक है। और जो टेल है इसकी, उसका कंसेप्ट लिख लीजिए, टेल हैविंग चेवरॉन बोन, CHEVRON, चेवरॉन बोन, ठीक है। ये हो गया रेप्टाइल का कंसेप्ट, ओके। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, एविस। सो फ्रेंड, एविस की अगर बात करें, यानी कि बर्ड्स की, ठीक है, एविस की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट थी और हमने बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस की थी, है ना, और बहुत सारे कंसेप्ट आपके वहीं से क्लियर हो गए होंगे। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, है ना। सो फ्रेंड, एज यू नो, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्री एक्सेप्ट इन द नेक एंड टेल रीजन आर फ्यूज टूगेदर एंड आर गैस्टीरो सेंट्रस। क्लियर, गैस्टीरो सेंट्रस क्या होता है अभी जल्दी से बताओ कमेंट्स के द्वारा, है ना। ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। सो सर्विकल वर्टिब्रा आर हेट्रोकोइलस टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द नेक। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी वर्टिब्रा है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, है ना, डबल हेडेड रिब्स और ये सारी चीजें। ये कुछ कुछ जो कंसेप्ट हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। अब अगर बात करें थोरेसिक वर्टिब्रा की, सो दैट आर फ्यूज्ड एंड कैरी डबल हेडेड रिब्स विद यूनिकेट प्रोसेस। ऐसा ही कुछ जो यूनिकेट प्रोसेस है वो उसके अंदर था, क्रोकोडाइल्स के अंदर, ठीक है। क्रोकोडाइल के अंदर क्या था, रिब्स आर डबल हेडेड विद एन यूनिकेट प्रोसेस। सो यही जो कंसेप्ट है थोरेसिक वर्टिब्रा का, एविस के अंदर भी सेम होगा, ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, फोरामेन ट्रांसवर्सलिया, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा एंड ऑल्सो देर आर रिड्यूस्ड सर्विकल रिब्स, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, सिंसेक्रम इज मेड बाई द फ्यूजन ऑफ थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड फ्यू कोडल वर्टिब्रा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सिंसेक्रम जो है वो किस तरीके से बनता है, किन किन के फ्यूजन से बनता है, है ना, इस तरीके से कंसेप्ट आ सकता है, ओके। अब देखिए, जो फ्री कोडल वर्टिब्रा है, दैट आर एम्फिकोइलस एंड द टर्मिनल कोडल आर फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म द फाइगोस्टाइल फॉर गिविंग सपोर्ट टू द एरेक्टस, क्लियर। अब यहां पे जो भी कंसेप्ट है, मतलब कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, किसी का भी फ्यूजन हो रहा है, किसी का भी डिफ्यूजन हो रहा है ना, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, ठीक है, इन चीजों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, कुछ ना कुछ कंसेप्ट होते हैं, वही कंसेप्ट मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ओके। सो अब हमारे पास लास्ट कंसेप्ट आता है वर्टिब्रल कॉलम का, मैमल्स से रिलेटेड। फ्रेंड्स, मैमल्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो कुछ चीजें बताई थी, है ना। मैमल्स हैव 7 सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है, लेकिन जो मैनेटी है उसके अंदर 6 होंगे, एंट के अंदर, यानी कि जो एंट बियर है उसके अंदर 8 होंगे और स्लोथ के अंदर 9 होंगे। ये एक्सेप्शन है 3, ठीक है, किसी के अंदर ज्यादा तो किसी के अंदर कम है, ओके। यानी कि होता है ये, कुछ बोलते हैं ना, कुछ एक्सेप्शन, कुछ अलग चीजें हर जगह होती है, ओके। एंड फ्रेंड्स, अब अगर बात करें डोसल वर्टिब्रा की, सेक्रल वर्टिब्रा की, है ना, सेक्रम की मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो कि एबसेंट होगा यहाँ पे, ओके। सो डोसल वर्टिब्रा आर डिफरेंशिएटेड इनटू थोरेसिक एंड लंबर, और इसका जो नंबर है वो वेरी करेगा, ठीक है, लंबर और थोरेसिक का नंबर वेरी करेगा, ठीक है। एंड सेक्रल वर्टिब्रा आर 2 to 5 एंड आर फ्यूज टू फॉर्म ए सिंसेक्रम, ठीक है। सेक्रल वर्टिब्रा 2 to 5 एंड आर फ्यूज टू फॉर्म सिंसेक्रम, लेकिन जो सेक्रम है वो एबसेंट होगा किसके अंदर, वेल्स और डॉल्फिन में, ठीक है। यानी कि जो एक्सेप्शन है वो ध्यान रखना है, क्या चीजें एबसेंट है, क्या चीज प्रेजेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे जो शेवरॉन कह सकते हैं, चेवरॉन बोन जो है वो प्रेजेंट होगी या एबसेंट होगी, प्रेजेंट होगी,
Clear? So sacral bone is in caudal vertebra, is present in monotremes, marsupials, sirenians, cetaceans and cetaceans, ठीक है, and there are some carnivorous and rodents, इनमें ये present होगी. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, marsupials भी पढ़ा था, sirenian भी पढ़ा था, cetacean भी पढ़ा था, carnivorous भी पढ़ा था, rodents भी पढ़ा था ना, monotremes भी पढ़ा था. And friends, जो ribs है वो कैसी होंगी? Double headed with unicate process, ओके, यानी कि वही same concept, crocodile वाला, ओके. And lumbar vertebra in mammal possesses no ribs and have a pair of additional long process that's called metapophysis for the attachment of muscle. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनली लॉन्ग प्रोसेस होगा जिसका नाम होगा मेटापोफाइसिस. इट इज ओनली फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका जो एंडोस्केलेटन है उसके बारे में सारे के सारे कंसेप्ट, जिसमें हमने वर्टिब्रल कॉलम भी पढ़ लिया, जॉ सस्पेंशन भी पढ़ लिया और विसरल आर्क भी पढ़ लिया, और जो बेसिक थे एंडोस्केलेटन की या फिर स्केलेटन कह सकते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की इन दो पार्ट्स के अंदर. ठीक है, सो आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे.